अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीक हम जो है बहुत ही बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिक सर्च का टॉपिक जो है वो हम डिस्कस करेंगे। किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए सर्चिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो रिक्वायर्ड मटेरियल जो है वो एक्सट्रैक्ट करना है मेमोरी में से, फाइंड करेगा तभी जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। इसी तरह से किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए भी सर्चिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी क्वेश्चन का आंसर करना है, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो अगर हमें उसका फार्मूला, उसका सोल्यूशन जहन में नहीं आता तो फिर हम प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, हम बेशक जितना मर्जी इंटेलिजेंट हो। तो बेसिकली सर्चिंग इज ए कॉमन टॉपिक बिटवीन कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो फाइंडिंग द रिक्वायर्ड मटेरियल फ्रॉम द मेमोरी इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द रिक्वायर्ड मटेरियल डेटा और नॉलेज फ्रॉम द मेमोरी इज नोन एज सर्चिंग। तो बेसिकली जितना ज्यादा विद द पैसेज ऑफ टाइम डेटा और नॉलेज जो है वो इंक्रीज होता जाता है सॉफ्टवेयर में भी और ह्यूमन बीइंग्स में भी। तो अगर सर्चिंग की टेक्निक्स या सर्चिंग के एल्गोरिदम्स, ऑप्टिमाइज्ड एल्गोरिदम्स यूज ना किए जाएं तो विद द पैसेज ऑफ टाइम सॉफ्टवेयर की एफिशिएंसी भी कम होती जाती है और ह्यूमन बीइंग्स की जो है वो एफिशिएंसी, प्रॉब्लम सॉल्विंग की एफिशिएंसी जो है वो रिड्यूस होती जाती है। तो बेसिकली डिफरेंट एल्गोरिदम्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीक्स के लेक्चर्स में हमने देखा था कि नॉलेज को हम जो है वो सिमेंटिक नेटवर्क की फॉर्म में जो है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो एल्गोरिदम्स हम डिस्कस करेंगे उसमें हम जो है एज ए इनपुट हम जो है सर्चिंग के एल्गोरिदम्स को हम एक ग्राफ या नेटवर्क एज ए इनपुट करेंगे और उसको हम ट्री में कन्वर्ट करेंगे फॉर बेटर विजुअलाइजेशन ऑफ ऑल पॉसिबल पाथ्स, और उसके ऊपर फिर हम जो है सर्चिंग के एल्गोरिदम्स को हम अप्लाई करेंगे। तो बेसिकली सर्चिंग एल्गोरिदम्स को हम दो कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड कर सकते हैं, बल्कि इनफैक्ट हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ एल्गोरिदम्स हमें जो है सम सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, हम उन्हें सम सोल्यूशन या सम पाथ सर्चिंग एल्गोरिदम्स कह सकते हैं, जो कि लाजमी नहीं कि ऑप्टिमल सोल्यूशन हो। जैसे डेप्थ फर्स्ट सर्च, हिल क्लाइंबिंग, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, बीम सर्च, बेस्ट फर्स्ट सर्च, ये पांच एल्गोरिदम जो है ये इस वीक हमने जो है वो डिस्कस करने हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट वीक हम डिस्कस करेंगे वो सर्चिंग एल्गोरिदम्स हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग करते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन यूज करते हैं ड्यूरिंग द सर्चिंग प्रोसेस और हमें एक ऑप्टिमल या बेस्ट सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं, या ऐसा पाथ हमें रिटर्न करते हैं जिसका डिस्टेंस मिनिमम होगा या जिसकी कॉस्ट जो है वो मिनिमम होगी अगर मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है। इसके अलावा स्पेशल सर्चिंग टेक्निक्स भी होती हैं, लाइक गेम प्लेइंग में हम जो है मिन मैक्स सर्चिंग एल्गोरिदम, अल्फा बीटा प्रोनिंग जो है ये हम यूज करते हैं। इन सर्चिंग एल्गोरिदम्स को हम इस कोर्स में जो है वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम जो है नेक्स्ट वीक में ऑप्टिमल पाथ सर्चिंग एल्गोरिदम डिस्कस करेंगे और इस वीक में हम जो है कि सम सॉल्यूशन सम पाथ सर्चिंग एल्गोरिदम जो है ये हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली एक जेनेरिक एल्गोरिदम जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर एक सर्चिंग प्रोसेस हमने स्टार्ट करना है तो उसके क्या स्टेप्स होंगे। सिंपली स्पीकिंग आप जो है किसी स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और कहीं ना कहीं जाके आपको जो है वो एंड करना होगा। ये दो तो स्टेप्स जो है वो कॉमन है, इनको हम स्टेप वन और स्टेप थ्री कह देते हैं। स्टार्ट फ्रॉम वन एलिमेंट लिस्ट, वन एलिमेंट क्यू कंसिस्टिंग ऑफ रूट नोड, रूट नोड इज अवर स्टार्टिंग नोड। तो ये तो हमारा पहला स्टेप हो गया और हमने कहीं ना कहीं पे एंड भी करना है, चाहे हमारा रिक्वायर्ड मटीरियल फाउंड हो। इफ द गोल नोड इज फाउंड तब तो हम सक्सेस या पाथ या सोल्यूशन रिटर्न कर देंगे, अगर फाउंड नहीं होता तो ऑब्वियसली फिर निल या फॉल्स या कुछ भी जो है वो रिटर्न किया जा सकता है। तो ये फर्स्ट एंड थर्ड जो है ये स्टेप्स हैं हमारे कि हमने स्टार्ट करना है और कहीं ना कहीं पे जो है हमने एंड करना है। अब इसके दरमियान जो है सारा हमारा सर्चिंग का जो है वो प्रोसेस होगा और उसमें ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूस लूप है, रिपीट अंटिल द सर्च स्पेस इज एग्जॉस्टेड और द रिक्वायर्ड मटेरियल इज फाउंड। तब तक हमने ये स्टेप टू को जो है ये हमने बार बार परफॉर्म करते रहना है। स्टेप टू के अंदर हमारे पास फर्दर जो है वो दो स्टेप्स हैं, 2A एंड 2B। 2A में हम ये चेक करेंगे कि पहला पाथ जो है वो गोल पे पहुंच गया है या नहीं पहुंचा, अगर गोल पे पहुंच गया है तो हम स्टॉप हो जाएंगे। 2A स्टेप जो है ये हर एल्गोरिदम का ये कॉमन है, ये वाला जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे सर्चिंग एल्गोरिदम्स के या यूं समझे सर्चिंग प्रोसेस के जो है ये कॉमन स्टेप्स हैं कि आपने कहीं से स्टार्ट करना है और सर्चिंग प्रोसेस आपने
बार बार जो है वो जारी रखना है और हर मरतबा आपने चेक करना है कि गोल पे पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे, और एट द एंड का भी आप जो है वो स्टॉप करेंगे। अब इसमें डिफरेंस जो आएगा वो सिर्फ एक स्टेप में आता है, वो उसे हम बोलते हैं 2B का स्टेप, कि अगर आपका गोल पे पहला पाथ नहीं पहुंचा, यू हैव नॉट रीच द गोल नोड, आपका रिक्वायर्ड मटेरियल सर्च नहीं हुआ, तो नेक्स्ट किस नोड पे जाना है, किस डाटा आइटम को सर्च करना है, किस तरफ जाना है, ये स्ट्रेटजी जो है हर सर्चिंग एल्गोरिदम की जो है वो स्पेसिफिक होती है, डिफरेंट होती है। तो ये 2B का स्टेप जो है कि नेक्स्ट किस नोड पे जाना है या कौन सा पाथ जो है वो फॉलो करना है, तो ये जो है हर एल्गोरिदम में बेसिकली हम जो है इस 2B स्टेप को जो है हम डिफाइन करते जाएंगे और फिर हम उस एल्गोरिदम को जो है ट्रेस करते जाएंगे, अंडरस्टैंड करते जाएंगे। तो ये एक जेनेरिक हमने एल्गोरिदम जो है वो हमने लिख लिया है कि जिसमें स्टेप 1, 2, 2A और 3 जो है ये कॉमन है, और 2B जो है हर एल्गोरिदम में हम सिर्फ 2B को जो हम डिफाइन करेंगे। तो इसके बाद अब जो है हम जो है एक सिंपल एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। फर्ज करें ये हमारे पास जो है ये ग्राफ है जो कि किसी भी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिफरेंट स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिफरेंट सिटीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, उनके दरमियान जो है रोड्स और उनके दरमियान डिस्टेंस या कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें हमने जो है सर्चिंग के एल्गोरिदम्स को इस पे हमने जो है अप्लाई करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम S to G। S इज अवर स्टार्टिंग नोड, स्टार्टिंग स्टेट, एंड G इज अवर गोल नोड या गोल स्टेट या गोल सिटी। तो G पे हमने जो है जाना है S से G तक। देयर आर डिफरेंट मल्टीपल पाथ्स, आप डिफरेंट तरीकों से हम जा सकते हैं। तो किसी भी एल्गोरिदम को अप्लाई करने से पहले हम पहले इस ग्राफ को ट्री में कन्वर्ट कर लेते हैं फॉर बेटर विजुअलाइजेशन ऑफ सर्च स्पेस, के ऑल पॉसिबल पाथ्स, के सर्च स्पेस मींस ऑल पॉसिबिलिटीज, कि ऑल पॉसिबल पाथ्स जो है वो कहाँ से हैं। जैसे आप S से A, B, E, F, G यहाँ इस तरफ से भी आ सकते हैं, आप S से A, D, E, F, G इस तरफ भी जा सकते हैं। तो देयर आर मल्टीपल डिफरेंट पाथ्स, तो उनकी विजुअलाइजेशन के लिए हम इसको ग्राफ को ट्री में कन्वर्ट करते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ओके जी स्टूडेंट्स, तो S से हम स्टार्ट करेंगे और S से आप देखें कि हम जो है A की तरफ भी जा सकते हैं और D की तरफ भी जा सकते हैं, तो दो एक्सटेंडेड पाथ्स A और D हम बना लेंगे। फिर A से आगे फर्दर जो है B और D की तरफ जा सकते हैं, तो ये जो है B और D, आपकी मर्जी, आप D को पहले बना लें, D को इस तरफ लिख दें, B को इस तरफ लिख दें, कोई इशू नहीं है, ट्री की ओरिएंटेशन आपकी जो है वो डिफरेंट हो सकती है। सिमिलरली B से आप देखें कि इमीडिएटली कनेक्टेड नोड्स A, C और E हैं, तो B से आप जो है A इस पाथ में ऊपर आ चुका है, तो C और E जो है इसके एक्सटेंडेड पाथ्स में आ जाएंगे। फिर हमने E को एक्सटेंड करना है, तो E के इमीडिएटली कनेक्टेड नोड्स देखें D, B और F हैं, B ऊपर आ चुका है, D और F जो है इसके नीचे आ जाएंगे। ट्री बनाने का रूल यह है कि किसी भी ब्रांच में, किसी भी पाथ में कोई नोड दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। तो किसी भी नोड को जब हमने एक्सटेंड करना होता है तो हम देखते हैं कि उसके इमीडिएट कनेक्टेड नोड्स कितने हैं, जो ऊपर पाथ में आ चुके हैं वो दोबारा नीचे नहीं आएंगे, बाकी जो होंगे तो उनको हम एक्सटेंडेड पाथ में नीचे जो है लिख लेते हैं। जैसे अगर हमने अब F को जो है वो एक्सटेंड करना है, तो इसके इमीडिएट कनेक्टेड जो है E और G हैं, तो E जो है ये ऊपर आ चुका है, पाथ में कहीं भी ऊपर आ चुका हो वो नोड जो है वो दोबारा रिपीट नहीं होगा, तो ये ऊपर आ चुका है यहाँ पे, तो ये G जो है ये नीचे सिर्फ आ जाएगा। इस D को फर्स्ट करें हम एक्सटेंड करना चाहते हैं, D के इमीडिएटली कनेक्टेड देखें S, A और E हैं, तो D के देखें E भी आ चुका है यहाँ पे, A भी आ चुका है, और S तो रूट नोड है, वो किसी भी पाथ में दोबारा कभी वापस जो है वो नहीं आ सकता, तो इसलिए ये D जो है यहाँ पे आके ब्लॉक हो गया। इस तरह C को एक्सटेंड करना चाहते हैं हम, C जो है ये B से इमीडिएटली कनेक्टेड है, ये B से ऑलरेडी आ रहा है, तो ये आगे एक्सटेंड नहीं हो सकता। इसी तरह से D को हमने एक्सटेंड करना है, D के इमीडिएटली कनेक्टेड A और E हैं, S को हम इग्नोर कर देते हैं, A और E हैं, A ऊपर आ चुका है तो नीचे सिर्फ E आ जाएगा। E के इमीडिएटली कनेक्टेड D, B और F हैं, D ऊपर आ चुका है, B और F देखें एक्सटेंडेड पाथ्स में, चाइल्ड पाथ्स में आ जाएंगे। B को एक्सटेंड करना है, B से A ऊपर आ चुका है, C जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, B से ये ऊपर पाथ में यहाँ पे ये A आ चुका है, तो ये C नीचे आ जाएगा। C जो है आगे ब्लॉक हो रहा है, वो कहीं पे नहीं जा रहा, तो ट्री यहाँ पे ब्रांच जो है वो स्टॉप हो जाएगी। E से F, F से G। अच्छा जी, राइट साइड वाले सब ट्री को देखते हैं कि S से हम D की तरफ जाएं, तो D से फर्दर जो
ए और ई जो है पॉसिबल पास्ट है, तो ए और ई जो है ये हमने एक्सटेंड कर लिए। ए से आगे जो है बी और डी है, डी से ऑलरेडी हम आ रहे हैं तो सिर्फ नीचे बी आ जाएगा, बी से सी ब्लॉक हो जाएगा और ई एफ जी की तरफ जो है ये वाली ब्रांच जो है ये कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद डी से हम ई की तरफ गए, ई से जो है ई से डी बी और एफ इमीडिएटली कनेक्टेड है, डी ऊपर ऑलरेडी ब्रांच में आ चुका है तो बी और एफ जो है इसके नीचे आ जाएंगे। बी से हमारे जो कनेक्टेड है ए और सी और ई है, ई ऑलरेडी ऊपर आ चुका है, ए और सी जो है इसके नीचे आ जाएंगे, दोनों ये पास ब्लॉक हो रहे हैं। ए से इमीडिएटली कनेक्टेड देखें बी और डी है, ये ए से इमीडिएटली कनेक्टेड देखें ये बी और ये डी ऊपर ऑलरेडी आ चुका है, तो इसलिए ए जो है ये ब्लॉक हो जाएगा, सी तो वैसे ही ब्लॉक हो गया पास। एफ से जो है हम जी की तरफ जा सकते हैं, गोल से आगे जो है किसी भी ट्री को पाथ को एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है, कुछ सिनेरियोज में जो है वो गोल से आगे भी ब्रांचेस हो सकती हैं या मल्टीपल पाथ हो सकते हैं, अभी तो ये एक ही पाथ गोल पे पहुंच रहा है, अगर और भी पाथ पहुंच रहे हो तो कोई भी एल्गोरिदम ऐसा नहीं होगा जो कि गोल से आगे चला जाए। हर एल्गोरिदम में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो गोल को जो है आइडेंटिफाई कर सके, तभी जो है वो एल्गोरिदम रिक्वायर्ड मटेरियल को या गोल को जो है वो सर्च कर सकता है। अच्छा जी, इस तरह से अभी ये हमारा जो है हमने सिंपल ब्लाइंड सर्चिंग ट्री बनाया है, इसके ऊपर हम जो है वैल्यूज भी लिख सकते हैं, अक्यूमुलेटेड डिस्टेंस भी लिख सकते हैं, एस्टिमेटेड वैल्यूज। ग्राफ में हमारे पास दो तरह की वैल्यूज हैं, एक ये इंटरमीडिएट नोड्स के दरमियान जो है डिस्टेंस है, ये एक्चुअल डिस्टेंस है, और एक है ये रेड कलर में फ्लोटिंग पॉइंट में जो वैल्यू दी गई है ये एस्टिमेटेड वैल्यू दी गई है, एस्टिमेटेड रिमेनिंग डिस्टेंस है फ्रॉम दैट नोड, जैसे ए का 10.4 है तो इसका मतलब है कि आप जिस पास से मर्जी है चले जाएं, इधर से जाएं या बी की तरफ से जाएं या डी की तरफ से जाएं, एस्टिमेटेड टोटल रिमेनिंग डिस्टेंस अप टू द गोल नोड इज 10.4। तो बेसिकली ये जो है ये एस्टिमेटेड वैल्यू है, तो कुछ एल्गोरिदम जो है वो एस्टिमेट की वैल्यू यूज करेंगे, कुछ एल्गोरिदम एक्चुअल वैल्यू यूज करेंगे, और कुछ एल्गोरिदम जो है ब्लाइंडली इस ट्री को जो है वो हम सर्च करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो क्लिप में हम देखेंगे कि डिफरेंट एल्गोरिदम्स को, पांच एल्गोरिदम्स हमने जो है इस वीक में हमने डिस्कस करने हैं, इसी ट्री के ऊपर हम उनको जो है वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह जो है इतना ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी अंडरस्टैंडिंग में। सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो, अस्सलाम वालेकुम।